नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम क्लासेस पर। दोस्तों, यूपी में प्राथमिक शिक्षकों की बड़ी भर्ती आने वाली है और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है आज के अखबार जो लखनऊ से छपता है, अमर उजाला का अखबार है यह है, उसमें दिया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि बेसिक सतीश चंद्र द्विवेदी ने जो है शुक्रवार को एक बड़ा बयान दिया है और ये बड़ा बयान जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर है। और उसमें उन्होंने जो है बताया है कि इस बार जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी और वो 17,000 पदों पर होगी। देखिए, कुल मिलाकर 1,35,000 जो है आपके शिक्षा मित्र जो है प्राइमरी स्कूलों से जो है बाहर किए गए थे, तो उसमें उन्होंने बताया कि 69,000 और 69,000 की दो भर्तियां जो हैं कंप्लीट की हैं और उसके बाद जो पद बचते हैं वो लगभग 17,000 पद बचते हैं, तो उन 17,000 पदों पर जल्द ही आपको भर्ती देखने को मिलेगी। ये भर्ती देखिए इस बार जो है कब तक हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती जो है टेट होने के बाद ही होगी। यूपी टेट जो है आपका 23 जनवरी को निर्धारित कर दिया गया है सरकार द्वारा, तो 23 जनवरी को ये होने के बाद जो है आपका फरवरी या मार्च में जो है उसका रिजल्ट आ जाएगा और उसके रिजल्ट आने के बाद जो है यह भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर जो है 17,000 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। देखिए, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और निकल कर आ रही है, वो आ रही है एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में। ठीक है, कि एकेडमिक रिकॉर्ड भी इस बार जो है हटाया जा सकता है, इसके बारे में विशेष प्रकार से जो है चर्चा चल रही है विभाग में और इसके बारे में जो है सलाह ली जा रही है कि किस प्रकार से इसके बारे में जो है इसके निर्णय लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यही इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी आज की। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।